एवरीवन, दिस इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट किरण। आज मैं आपको मीथ एंड फैक्ट के बारे में बताने जाने वाली हूँ। हमारे ब्यूटी टिप्स जो होती है, हम डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है कि हमने किसी ने हमें बताई है, उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं, और पर हमें रियलिटी पता नहीं होती। आज मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवाने जाने वाली हूँ। हम वेट हेयर में कोम करते हैं तो हमारे हेयर सिल्की एंड स्मूथ रहते हैं, पर फैक्ट रियलिटी ऐसी है कि अगर आप गीले बालों में कोम कर रहे हो तो आपके जो हेयर है वो रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, और हेयर फॉल होने का एंड आपके बाल बीच में से टूटने का ज्यादा चांस होता है। तो आप वेट हेयर में अगर कोम करोगे तो क्या होगा, आपके हेयर फॉल होंगे, है ना। तो इसीलिए आप पहले बालों को सूखने दो, उसके बाद कोमिंग करो, उसके बाद आपके और कुछ अच्छे प्रोडक्ट यूज करो, शैम्पू कंडीशनर, उससे आपका क्या होगा कि हेयर अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। डैंड्रफ अगर हमारे बालों में होता है तो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, है ना, रेगुलर ऑयलिंग कर रहे हो तो डैंड्रफ चले जाएगा या कम हो जाएगा। बिकॉज ये लोगों को ऐसा लगता है कि ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। फैक्ट क्या है, अगर आपने डैंड्रफ वाले स्कैल्प को, डैंड्रफ अगर है आपके स्कैल्प में, बहुत ज्यादा आपने ऑयलिंग किया तो उससे आपका जो डैंड्रफ है वो स्टिकी हो जाएगा, ग्रीजियर हो जाएगा और बढ़ सकता है, और वो अलग लेवल पे चले जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, सीवियर हो जाएगा। तो आप अगर आपके बालों में, अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, डैंड्रफ एक इन्फेक्शन है, वो बहुत अगर ड्राई है आपका स्कैल्प, तो आप कोई रेगुलर ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप वीक में एक बार ऑयलिंग कर सकते हो, पर बहुत ऑयलिंग या ऑयल लगाने से डैंड्रफ जाएगा ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन में 10 बार फेस वॉश करने से हमारा स्किन जो है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ग्लो करेगा, क्लीन रहेगा, ये मीथ है। एक्चुअली अगर आप दिन में 10 बार फेस वॉश करोगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है वो चले जाएगा, नेचुरल ग्लो वो भी चले जाएगा। तो आप 2 से 3 बार फेस वॉश करो, उससे आपका स्किन मेंटेन।